जहाँ तक मैंने लोगों को देखा है, कुछ लोग अकेले होने को बुरी चीज़ मानते हैं। उनके हिसाब से अगर कोई अकेला है तो मतलब या तो कोई उसे पसंद नहीं करता या फिर उसे सोशलाइज होना नहीं आता। और अगर ये दोनों ही बातें ना हों और फिर वो अकेला हो, तब तो उसके साथ डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं बता दूं कि अकेले रहना और अकेलेपन महसूस करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अकेलापन किसी के साथ की कमी को महसूस करवाता है, लेकिन अकेला रहना एक चॉइस होती है। अब क्या कहूँ मैं इन्हें, अकेले कोई रहना नहीं चाहता है, पर ज़माने का रुख ही ऐसा है कि अकेले रहना खुद ब खुद आ जाता है। कहने को तो हर कोई साथ है, लेकिन ज़िंदगी के हर मोड़ पर तुम्हें चलना अकेले ही है। ये इस दुनिया ने सिखाया है कि तुम सबकी ज़रूरत पर खड़े रहते हो, मगर तुम्हें ज़रूरत पड़ने पर सब मुंह फेर लेते हैं। इसलिए मैं अपनी ज़रूरत खुद बनना चाहती हूँ। लोगों का क्या है, उन्हें सिर्फ हक जताना आता है, रिश्ता निभाना नहीं। हाँ, इन समझदारों की दुनिया में जहाँ रिश्ते सिर्फ मतलब से निभाए जाते हैं, वहाँ मैं अकेली ही ठीक हूँ बेमतलब से। कुछ बातें खुद से कहना, खुद के सुनना, थोड़ा खुद को समझाना, थोड़ा खुद को समझा लेना अच्छा लगता है मुझे। फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है मेरे बारे में, बस अपनी आवाज़ को सुन सकूं, इसलिए दुनिया के शोर से दूर रहती हूं। क्योंकि नहीं चाहती उस भीड़ का हिस्सा बनना, जिस भीड़ में मैं ही खो जाऊं, फिर चाहे कोई मुझे समझे या ना समझे। इस बात की भी कोई उम्मीद नहीं रखती मैं किसी से, क्योंकि अब सारी बातें खुद से ही होती है। और यही फ़ायदा है अकेले रहने का, कि इंसान दिखावे की नहीं हकीकत की ज़िंदगी जीता है, क्योंकि उसे खुद से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। और इसीलिए अकेले चलने वाले घमंडी नहीं होते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।